दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट प्राइम टाइम रिपोर्ट। सही सुना आपने, इसी रिपोर्ट के अंदर मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया की सारी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में देने वाला हूं। यानी एक क्लिक पर आपको आज मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल सारी बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। वक्त ना हो तो टुकड़ों में देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा क्योंकि खबरें काफ़ी बड़ी हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान ने निडर होकर अब पहली बार दुनिया के सामने आकर ऐलान कर दिया है कि हमने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम बनाना शुरू कर दिया है। आसान जबान में बता दूं कि यूरेनियम क्या है बच्चों के लिए। यूरेनियम एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा केमिकल जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है और तमाम देशों पर पाबंदी है और एक लिमिट है कि आप इतना ही साल का यूरेनियम बना सकते हो जितने का इस्तेमाल आप सिर्फ बिजली बनाने के लिए कर सकते हो। लेकिन ईरान ने पिछले 6 महीने में इसकी मात्रा को डबल कर दिया है और अब रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 1-1.5 साल के अंदर ही ईरान परमाणु बम भी हासिल कर सकता है। लेकिन ईरान ने इस बात को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया था। अब देखिए दर्जनों रिपोर्ट मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए अब हर जगह मिडिल ईस्ट, गल्फ, इंटरनेशनल, हमारे भारत, पाकिस्तान, हर जगह पर यह खबर आम हो चुकी है क्योंकि ईरान ने खुद ही सामने आके ऐलान कर दिया है कि उसने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हासिल की है कि उसने यूरेनियम डबल कर दिया है बनाना। इसके बाद देखिए ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर हम 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेंगे। याद होगा अगर आप मेरी वॉर अपडेट देखते हैं तो मैंने वॉर अपडेट में ये एक जानकारी दी थी कि ईरान के मदद रशिया करेगा उसके सैटेलाइट अंतरिक्ष प्रोग्राम में। तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि जैसे ही रशिया और ईरान एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हुए हैं, ईरान ने भी काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में कदम रखना शुरू कर दिया है। वहीं ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमारी करेंसी काफ़ी डाउन थी, लेकिन इन प्रदर्शन के चलते हुए हमारी करेंसी और डाउन हो रही है जिसकी वजह से गरीबी भी बढ़ रही है। वहीं दोस्तों ईरान की एक ऑस्कर विनर एक्ट्रेस तराने अली दोस्ती नाम की ये जो खूबसूरत महिला हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ईरान की सरकार के खिलाफ इन्होंने ये फोटो पोस्ट किया था जिसमें प्लाकार्ड ले खड़ी हैं और आज़ादी की ये बात कर रही हैं, जिसकी वजह से ईरान ने फेक न्यूज़, माहौल ख़राब करना और हिंसक प्रदर्शन को समर्थन देना, इन सब के चार्जेस लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया। भाई पहली बार दुख हुआ है मुझे, बहुत दिल से बता रहा हूँ, वरना हम पे कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ भी हो, लेकिन देखिए इतनी खूबसूरत लड़की को गिरफ्तार किया है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ऑस्कर विनर है, अब ईरान से हम करें छोड़ दो इसको, अब देखो अब दिक्कत हो जाएगी, अब तुम्हारी मेरी हो जाएगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। छोड़ दो यार गाई, ऐसे ऐसे नहीं करो यार, प्लीज छोड़ दो। क्या बोला तूने? छोड़ दो यार गाई, ऐसे ऐसे नहीं करो यार, प्लीज छोड़ दो। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरी अपील है भाई, छोड़ो इस लड़की को, जो भी है ठीक है। ऐसे क्यों करते हैं यार, क्यों करते हो, ऐसे मत करो ना यार प्लीज। ये कोई बात हुई यार, इसको ऐसा करो अगर आपको इनसे दिक्कत है उनको ईरान से निकाल के भारत भेज दो, मैं रखूंगा इन्हें, मेरा दिल बहुत बड़ा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल जोक सपाट दोस्तों, अब आगे बता दूं कि ईरान के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर तक पहुंच गया है। अमेरिका के सैकड़ों लाखों लोग व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच गए और ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। No,
अब आपको एक बात बता देता हूँ फिर से क्लियर, ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ। समर्थक मैं किसी का नहीं हूँ, लेकिन आपको सच बताऊँगा। सच ये है कि ईरान में अब जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आप सोचिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर प्रदर्शनकारी पत्थर चला रहे हैं, ठीक है, लठ चला रहे हैं, चलिए ठीक है, आप इतना झेल लेंगे, लेकिन वही प्रदर्शनकारी अगर बंदूक चलाने लगे आप पर, तो आप उनको क्या कहेंगे? सिंपल सवाल है। चलिए ठीक है, अगर आप गोली भी झेल रहे हैं, अब सोचिए अगर वही प्रदर्शनकारी बाजूका, जी हाँ, वो बाजूका मोर्टार लेकर पुलिस वालों पर और बिल्डिंगों पर हमला करने लगे, तो आप उनको प्रदर्शनकारी कहेंगे, उसको प्रोटेस्ट कहेंगे? नहीं ना। तो देखिए, इनके हाथ में ये बाजूका जो नज़र आ रही है, ये ईरान के जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, हुसैन राहिमी। इन्होंने जनता, प्रेस, सबके सामने बाजूका दिखाई है और बताया है कि आम जो प्रदर्शनकारी, जिन्हें आप समझ रहे हैं, उनके घरों पर, उनके ग्रुप पर रेड डालने के बाद ऐसे हथियार उनके घर से बरामद हो रहे हैं। उधर दोस्तों, इराक के किरकुक के इलाके में फिर से आतंकी हमला हुआ है, जिस हमले में 9 पुलिस वाले, मिलिट्री के लोग भी बताए जा रहे हैं, टोटल इसमें 9 से 10 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। दोस्तों, इधर फ्रांस और इजराइल के बीच हल्की सी नोकझोंक हो गई है, क्योंकि एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो फिलिस्तीनी और आधा फिलिस्तीनी आधा फ्रांसीसी था, और इजराइल में रहकर वो एडवोकेट था, तो इजराइल में रहकर वो फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ता था और वो काफ़ी बड़ी मदद फिलिस्तीनियों की करता था, जैसे फ्री में उनका केस लड़ना, ह्यूमन राइट के आवाज़ उठाना, और काफ़ी बड़ी बड़ी मदद वो करता था, जिसका नाम साले हमूरी था। उनको आज इजराइल ने पहले क्या करा, कुछ दिन के लिए कैद में रखा, फिर इसके बाद उस साले जो फ्रांसीसी एडवोकेट था जो फिलिस्तीन के लिए लड़ता था, उसको वापस फ्रांस भेज दिया। एक्सपर्ट अभी इसी बात को कह रहे थे कि इससे फ्रांस भड़क सकता है, अभी एक्सपर्ट ने कहा ही था कि उधर से फ्रांस ने तुरंत जवाब दे दिया। फ्रांस ने कहा कि ये गैरकानूनी है जो इजराइल ने किया है, और ये रिश्तों में खटास डालने वाली बात है। अब दोस्तों, जैसे बीजेपी का नेता जिसने किसानों को रौंदा था, ऐसे ही हर यहूदी फिलिस्तीनियों को रौंदने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर लगे हुए इन दोनों भाई की तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए, दोनों फिलिस्तीनी भाई हैं। इल्लीगल इजरायली सेटलर्स ने मोहम्मद और मोहम्मद यूनुस मुतायर, यानी दोनों ये सगे भाई हैं, इनको कलंदिया रेफ्यूजी कैंप के बेहद करीब के इलाके में अपनी कार से यहूदी ने रौंद दिया। दोनों भाई मौके पर मारे गए और कई फिलिस्तीनी घायल हैं। दोस्तों, यहूदियों का एक त्यौहार है हनुका, और यहूदियों का जब भी कोई त्यौहार आता है, ठीक आरएसएस की तरह मस्जिद अल अक्सा पर जो वो है हमलावर हो जाते हैं। जैसे भारत में आरएसएस कोई भी त्यौहार पर रैली निकालता है, तो ज़बरदस्ती मस्जिद के इलाके में घुसता हुआ मस्जिद के ऊपर जो है पथराव करना और मुसलमानों को भड़काने के लिए मस्जिद के आगे खड़े होकर नाच गाना करना, अय्याशी करना, गंदी हरकत करना, भड़काऊ बातें करना, ऐसा ही ठीक काम इजराइल भी करता है। अपना त्यौहार उसका आने वाला है हनुका। हनुका में रिकॉर्ड है, जब भी ये कोई त्यौहार यहूदियों का होता है, मस्जिद अल-अक्सा में ये घुसपैठ करते हैं। ऐसे में जहाँ सारी दुनिया सहमी हुई है कि इस बार कोई कांड ना हो, इजराइल के सगे भाई से बढ़कर बेहतरीन भाई तुर्की ने मुबारकबाद पेश कर दी है, और रजब तैयब अर्दोगान ने कह दिया है कि हनुका की हम पूरी दुनिया में रहने वाले, पूरी दुनिया में कोने कोने में बसने वाले यहूदी भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। कमाल हो गया ना। उधर हमास ने धमकी दी है कि अगर मस्जिद अल अक्सा में अगर इस त्यौहार के बहाने घुसने की कोशिश की, तो हालात बिगड़ सकते हैं और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लगभग आपने ये सारी मिडिल ईस्ट की खबर सुन ली है, अब थोड़ा इंटरनेशनल की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको भारत के बारे में बता दूं, भारत ने खतरनाक अपना एक नया INS युद्धपोत भी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इस युद्धपोत का नाम है मोरमुगाओ। ये गोवा के ऊपर नाम रखा है और ये काफ़ी खतरनाक युद्धपोत है, और भारत ने इसको तैनात कर दिया है।
यानी हमारी जो नेवी है उसको सौंप दिया है। इससे भारत की ताकत काफी बढ़ चुकी है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस वॉरशिप का नाम पोर्ट सिटी गोवा पर रखा गया है। मोर्मुगाओ ने पिछले साल 19 दिसंबर को पहली समुद्री यात्रा की थी, जब गोवा ने पुर्तगाली शासन से 60 साल की मुक्ति का जश्न मनाया था। इसकी कमीशनिंग भी 18 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के पूर्व संध्या पर हुई। जहाज की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है और इसमें 7400 टन का डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों, इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ। वॉरशिप मोर्मुगाओ ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस है। 4 गैस टरबाइन के सहारे 30 समुद्री मील से भी ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकता है। मोर्मुगाओ परमाणु जैविक और रसायन युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है, यानी परमाणु हमला कर सकता है और केमिकल बॉम्ब हथियार इस्तेमाल कर सकता है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बने मिसाइल डिस्ट्रॉयर की क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के शिप बिल्डर्स को टक्कर दे सकता है। कुल मिला के भारत समुद्र में थोड़ा और मजबूत हो गया है। वहीं आपको बता दूं कि चाइना का सिर्फ टकराव हमसे नहीं है, जापान से भी है। अब जापान के सागर की तरफ चीन ने अपना सबसे बड़ा सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट करियर भेज दिया है। उधर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ, तो नॉर्थ कोरिया ने अमरीका जापान समेत साउथ कोरिया को तगड़ा झटका देते हुए 2 और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर डाला है। अगर किसी को चीन से थोड़ी बहुत भी मोहब्बत है तो याद रखो बेटा, बहुत बुरा हाल हो सकता है तुम्हारा भी, क्योंकि चीन के इरादे काफ़ी खतरनाक हैं। चीन ने वीगर मुसलमानों से लेकर जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं उनके DNA को इकट्ठा किया हुआ है और वो लगातार इकट्ठा कर रहा है। कहा जा रहा है कि उस DNA का इस्तेमाल वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ों के लिए कर सकता है और उन सभी माइनॉरिटीज़ पर DNA के ज़रिए बायोमेट्रिक नज़र भी रख रहा है। इतनी डिटेल में मैं जाऊंगा तो मुझे खुद समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज़ हो जाएंगे। तो DNA इकट्ठा कर रहा है, जिसमें चीन की कई सारी कंपनियां चाइना की सरकार की मदद कर रही है। तो अब EU के कई सारे देशों ने, देखिए, ये ग्रुप बनाया है, जी हाँ, जिसका नाम है द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इसमें कई सारे देश हैं, सब ने मिलकर, खासकर पूरा यूरोप इसमें शामिल है, एक ग्रुप बना लिया है ये, जिसका काम ये है, जिन्होंने ऐलान ये किया है कि अब चीन की उन सभी कंपनियों को बायकॉट कर देना है जो ऐसा काम कर रहे हैं। उधर चाइना के अंदर की बात करूं तो चाइना के अंदर कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं और आंकड़ों के मुताबिक सन 2023 में, आने वाले साल में ही 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा मौतें चीन के अंदर हो सकती हैं। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तून के इलाके में बड़ा धमाका हुआ जिसमें पाकिस्तान के 4 पुलिसकर्मी मारे गए और कई घायल हैं। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और TTP ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान में ही इसी तरह से हमले करते रहेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था, अब भले ही आप इसका इल्ज़ाम पड़ोसी पे डालिए, किसी और पे डालिए, लेकिन ये TTP पाकिस्तान में ही रहकर ये सारे काम कर रहे हैं और इनकी मांग काफ़ी ख़तरनाक है। उधर पड़ोस अफगानिस्तान में एक टनल के अंदर, सुरंग के अंदर जो रोड बनी हुई होती है क्रॉस करने के लिए पहाड़ को, उसके अंदर एक फ्यूल टैंक ट्रक जा रहा था जिसमें धमाका हो गया और इस टनल में ऐसा खतरनाक धमाका हुआ कि इस धमाके में 19 लोग मारे गए। दोस्तों, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें, मिडिल ईस्ट हो या इंटरनेशनल हो, साउथ हो, वेस्ट हो, सारी दुनिया में जो बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं, जो आपको किसी भी गोदी मीडिया के सामने 4 घंटे बैठने के बाद भी नहीं मिलेगी, मैंने 20 मिनट में वो सारी जानकारी आपको दे दी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, नीचे कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखिए, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।